Dear students, in this lecture, we shall learn about the laws of matrices. Because when we operate the matrices, तो उसके background में कुछ laws हैं, कुछ patterns हैं, जिन्हें matrix operations follow करते हैं. Let us see one by one, but basically there is the triad of these laws that we are considering. एक है commutative, दूसरा है associative, और तीसरा है distributive. इन तीन क्लासेस को हम चेक करेंगे वन बाय वन. नंबर वन इज क्यूमुलेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशंस. पुटिंग इट इन मोर कंक्रीट टर्म्स, अगर हम ऑर्डर चेंज करें मल्टीप्लाई करते हुए या ऐड करते हुए दो मैट्रिसेस को, तो उसके जवाब बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये लॉ हमें ये बताता है. पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन की. अगर हम ऐड करें दो मैट्रिसेस को और उनकी तरतीब को बदल दें, पहले को बाद में और बाद वाले को पहले लिख लें, तो उसके जवाब पर असर कोई नहीं पड़ेगा. ये ऐसे ही है जैसे हम तीन में दो जमा करें या दो में तीन जमा करें, जवाब पाँच ही होगा. ये थी बात मैट्रिक्स ऑपरेशन जो कि एडिशन में होता है. तो क्यूमुलेटिव लॉ तो होल्ड करेगा एडिशन में, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो ऐसा नहीं है. जैसे कि हम अलजबरा में दो को तीन से ज़रब दें या तीन को दो से ज़रब दें, जवाब छः ही आए, ये जवाब एक जैसा नहीं आएगा. बिकॉज दिस इज़ नॉट सिंपल नंबर्स, दीज आर मैट्रिसेस. अब जो इसका पहला पार्ट है, जो एडिशन वाला क्यूमुलेटिव लॉ है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ. आप कोई भी दो मैट्रिसेस लें जो कि कन्फॉर्मिटी कंडीशंस को पूरा करते हों, और फिर उन्हें जमा करके देखें, तरतीब बदल के देखें, और यू कैन वेरीफाई. This is for your rehearsal. Whereas मैं आपके पास जो solution लेकर आया हूँ वो है multiplication का case. Let us see कि multiplication के case में ये law कैसे refute होता है या reject होता है. ये आपके पास दो matrices हैं, matrix A और matrix B. और after mentioning, हमने इन्हें mention करने के बाद A into B का answer calculate किया, जो कि आपके rehearsal के लिए कैसे calculate करते हैं, you have to do this. और B into A को calculate किया. डेफिनेटली आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि a इंटू बी का मतलब ये कि पहले a को लिखेंगे और फिर b को लिखेंगे, और b इंटू a का मतलब ये है कि पहले b को लिखेंगे और बाद में a को, और फिर कन्फॉर्मिटी कंडीशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन को देख के मल्टीप्लाई का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो हम अप्लाई करेंगे. तो आप देख रहे हैं कि आंसर्स दे आर नॉट इक्वल. इट मीन्स के द क्यूमुलेटिव लॉ इज नॉट होल्डिंग ऑन द मैट्रिक्स ऑपरेशन नोन एज मल्टीप्लीकेशन. अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ की, और जो दूसरा लॉ है दिस इज अबाउट द एसोसिएशन ऑफ थ्री मैट्रिसेस. लेट्स कम टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट ताकि हमें ये आसानी से समझ आ सके. आप देख रहे हैं कि हमने एडिशन का केस और मल्टीप्लीकेशन का केस कंसिडर किया. अगर हम एडिशन के केस की बात करें तो ये ऐसा है कि पहले मैट्रिक्स को नोट कर लिया जाए और दूसरे तीसरे को जमा किया जाए, जो जवाब आए उसको फिर पहले में जमा कर दिया जाए. ये इनकी एसोसिएशन है, ये इसका तरीका कार है. एक दूसरा हाल ये हो सकता है कि पहले हम पहले दो को जमा कर लें, जवाब को नोट कर लें, और उसके बाद तीसरे के अंदर इसको आंसर को जमा कर दें. तो ये ऐसे ही है कि जैसे हम कहें दो जमा तीन जमा चार, इसमें हम पहले तीन और चार को जमा कर लें और दो में जमा कर लें, जवाब को नोट कर लें, राइट. और दूसरी ऑप्शन ये है कि हम दो जमा तीन जो पहले दो डिजिट्स हैं उन्हें जमा करें और जो जवाब है फिर तीसरे में जमा कर दें, तो जवाब एक ही होगा. इट इज़ वेरी सिंपल. इस केस में द गुड न्यूज़ इज़ कि ये होल्ड करता है अगर हम मैट्रिक्स पे भी अगर ये ऑपरेशन ये सिचुएशन क्रिएट करें और आंसर को अचीव करें. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट दी एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इट आल्सो होल्ड्स. ये कैसे कर सकते हैं, जो एडिशन वाला केस है मैंने आप पे इस जिम्मेदारी को छोड़ा कि आप इसको हल करें. वेयर एज आई विल डू दी वन विच इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो यू सी कि वाकई दे आर इक्वल और नॉट. नाउ दिस इज दी सिचुएशन वेयर वी कैन सी दैट ए इज मैंशन, हमारे पास ए भी है, हमारे पास बी भी है और सी भी है. बिकॉज यू नो एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें कम अज़ कम तीन मैट्रिसेस की ज़रूरत होगी जो कि इस चीज़ को वेरीफाई करने में मदद देंगे. तो एसोसिएटिव लॉ जो था वो ये था, इसमें सबसे पहले हम ए इंटू बी कैलकुलेट करें और फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करें. ये ए इंटू बी का आंसर है जिसकी बैकग्राउंड वर्किंग आप खुद करेंगे, जो आपकी रिहर्सल के लिए यूज़फुल होगी.
और उसके बाद सी से मल्टीप्लाई किया गया है. एज यू कैन सी ये है ए बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये है जिससे इसे ज़रब किया गया है. और ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड. ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी आप रिहर्सल करेंगे इसकी. और लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली ये है, ये हमने नोट कर ली. अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ. राइट हैंड साइड में द फर्स्ट थिंग वी नीड टू हैव इज बी सी, देयर प्रोडक्ट. बी सी हमने कैलकुलेट किया यूजिंग द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलोइंग द कन्फॉर्मिटी कंडीशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और उसके बाद उसे हमने ए से मल्टीप्लाई किया, जैसे आप देख रहे हैं ए के साथ मल्टीप्लाई किया, विच इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व. और आप जिसका आंसर जब देखेंगे तो वो वही होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड का. सो इट मीन्स कि व्हेन इट कम्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ लॉज एंड विच इट इज़ नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. लेट अस सी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट. हियर यू कैन सी के बी प्लस सी को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका मतलब ये है कि हम ए और बी को पहले अकेला मल्टीप्लाई करें और ए को बाद में सी से मल्टीप्लाई करें और जमा कर दें उनको बाद में. सो दूसरी साइड पे ये लिखा हुआ है कि ए बी को ज़रब करें और ए सी को ज़रब करें और उनका सम कैलकुलेट कर दें, बात एक ही होगी. सो इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ए की बी पर और सी पर, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं हम. अब इसे हल करने के लिए हम तीन मैट्रिसेस का चुनाव करते हैं और उन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं. आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करेंगे. पहले b प्लस सी चाहिए हमें, बाद में उसे हम a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो आपने देखा कि पहले b और c को जमा करके जो जवाब आया वो ये लिखा हुआ है, और फिर a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये a है और ये है b प्लस सी. तरतीब का आपने खास ख्याल रखना है, बिकॉज आपको पता है कि तरतीब बदलने से क्यूमुलेटिव लॉ हमें यह बताता है कि वो इक्वल नहीं रहेंगे. सो हमने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया और उसका जवाब नोट कर लिया. ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी टॉक अबाउट द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड के लिए पहले हमें ए बी का प्रोडक्ट निकालना है और ए और सी का प्रोडक्ट निकालना है और फिर बाद में जमा करना. सो ए बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वी हैव द रिहर्सल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. और ए सी का भी जवाब हमने कैलकुलेट कर लिया और बाद में उन्हें ऐड कर लिया एज दी फॉर्मूला सेज. तो उसका जवाब हमारे पास ये है जिसे हम राइट हैंड साइड कह सकते हैं. नाउ यू कैन कंपेयर इधर बोथ ऑफ देम आर इक्वल और नॉट, एंड यू कैन सी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं. इट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स ऑन दी मैट्रिसेस. दिस इज हाउ वी कैन चेक द थ्री कैटेगरीज ऑफ द laws when it comes to the matrix algebra. Thank you very much.